हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं कुछ प्लांट रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, मेरे हिबिस्कस में बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और कलियाँ भी ढेर सारी आ रही हैं, सभी में आ रही हैं और सभी में फ्लावरिंग भी हो रही है। आप देख सकते हैं, ये हमारे इधर पीछे देसी हैं और इधर ये सारे हाइब्रिड हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से फूल आ रहे हैं पूरे प्लांट में। तो ब्लूमिंग अच्छी चल रही है, जो प्लांट हैं उनमें ब्लूमिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा मैंने सीजनल प्लांट अपने गार्डन में ऐड भी नहीं किए हैं, और क्योंकि परमानेंट इतने सारे हो गए हैं कि इनको संभालना मुश्किल हो रहा है इतनी तेज़ गर्मी और धूप में। यहाँ देखिए अम्ब्रेलस लिली में कितने सारे फ्लावर्स, और मेरे अलमंडा में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है अभी। लेकिन इनका कलर डार्क नहीं है, जब ये रेनी सीजन में खिलते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम डार्क, थोड़ा पर्पलिश पिंक सा कलर लिए हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। पर फिर भी अभी फ्लावरिंग हो रही काफ़ी अच्छी। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल इसमें आ गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। और ये अलमंडा भी बहुत अच्छे से ब्लूम्स कर रहा है। इधर सारे हिबिस्कस हमारे बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी। तो मैंने जो कोचिया के प्लांट लगाए थे बेबी प्लांट ला करके नर्सरी से, अब उनकी ग्रोथ देखने में थोड़ी मतलब सही हो गई है, अच्छी हो गई। जब तो मैं लाई थी उस समय तो बड़े ही नाजुक से प्लांट थे, छोटे छोटे से थे। तो अभी देखिए इस तरह से प्लांट हो गए हमारे। तो इनको अब मैं सोच रही हूँ थोड़े बड़े पॉट दे दूँ तो जल्दी से ये मतलब सर्वाइव करना, अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर दें, और नहीं तो इसी में लगे रह जाएंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। जितने बड़ा पॉट आप देखेंगे, कम से कम 10 इंच 12 इंच के पॉट में अगर आप इसको लगाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर सा शेप ले लेता है, बिल्कुल बॉल की शेप में आ जाता है। लेकिन मैं इतने बड़े पॉट में नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ यही 5 इंच 6 इंच के जो पॉट है मेरे पास इन्हीं में लगाऊंगी, ये वाले पॉट्स में। तो ये खाली पड़े हुए थे छत पे और इन्हीं को मैं लेकर आई हूँ, एक आध में इस बकेट में भी लगा दूंगी। तो देखिए ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, जिस हिसाब से छोटे से ग्लास में लगे हैं उस हिसाब से ग्रोथ काफ़ी अच्छी कर ली है इन्होंने। तो यहाँ पे मेरी जो गार्डन की मिट्टी है, मेरी पुरानी मिट्टी है, पुराने गमलों की मिट्टी है, तो इसको हम कल मैंने इसको डाल दिया था धूप में पूरे दिन के लिए। इन्हीं गमलों से खाली जो मिट्टी थी वही उसी को मैंने अच्छे से सुखा लिया पहले, और रात को इसको मैंने फिर से थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि एकदम से ड्राई हो गई थी बिल्कुल। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर बनाने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था। तो अभी मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, तो बहुत ज़्यादा कुछ कोचिया के प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है, इसको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ही पसंद होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लेंगे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, बाकी मैं कुछ भी नहीं लूँगी। आप इसमें चाहे तो नीम खली ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ली है इस टाइम पर, नीम खली भी ख़त्म हो गई मेरे यहाँ। और अभी कुछ प्लांट वगैरह मैं ज़्यादा प्लांटेशन कर नहीं रही हूँ तो मैं खाद वगैरह नहीं ला पाई हूँ, नहीं लाई हूँ, गई भी नहीं हूँ अभी। तो ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, तो थोड़ा सा लगभग 5% 10% हम वर्मी कंपोस्ट मिला लेंगे। और हमारी मिट्टी ये इतनी रिच है, मतलब पुराने गमलों की मिट्टी है। अभी कुछ टाइम पहले जो प्लांट मैंने लगाए थे जीनिया वगैरह के ख़राब हो गए थे, तो उनको मैंने निकाल दिया है और वही वाली मिट्टी है। तो इसमें मतलब अभी भी खाद मिक्स होगा जो भी है। तो मेरे जो पुराने गमले की मिट्टी रहती है वो भी काफ़ी अच्छी ही रहती है और बहुत ही भुरभुरे सी मिट्टी है। इसमें कोकोपीट वगैरह सब मतलब मिक्स है, जो विंटर के प्लांट्स की मिट्टी थी वही मिट्टी है। तो इसमें राइस हस्क भी मिक्स था जो कि धीरे धीरे डिकम्पोज होकर वो भी खाद ही बन जाता है, फर्टिलाइज़र ही बन जाता है। तो ये देखिए ये हमारी मिट्टी इस तरह से तैयार हो गई, बस कुछ भी ऐड नहीं किया है आपने देखा, बस थोड़ा सा मैंने 2-3 मुट्ठी वर्मी कम्पोस्ट डाला है। अब ये गमलों में आप चाहे तो नीचे कुछ इसके रख लीजिए। ये देखिए इस तरह से गमले के टुकड़े या मटके के टुकड़े जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इनको होल में रख दीजिए नीचे, तो इस तरह से रख दीजिए, कवर कर दीजिए, नहीं तो नीचे से मिट्टी भी गिरती रहती है फिर और साथ में पूरा गंदा हो जाता है। और नहीं तो एकदम डायरेक्ट मिट्टी भर देते हैं तो भी दिक्कत होती है, इस इन गमलों में तो मिट्टी ही गिरती है वही प्रॉब्लम रहती है। तो अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे इस तरह से, तो इतनी मिट्टी हमने भर दी आधी आधी, और अब हम प्लांट को निकालेंगे। तो बस रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमने पहले भी यही मिट्टी में इसको लगाया था, रिपोर्ट किया था थोड़ी थोड़ी मतलब बिना कुछ भी कंपोस्ट ऐड किए। ये देखिए अभी रूटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, आप देख सकते हैं आधी से ज़्यादा मिट्टी निकल गई पर नीचे तक रूटिंग नहीं हुई है, लेकिन ठीक है अभी इन्होंने ग्रोथ करना शुरू ही किया है। तो जैसे जैसे ये ग्रोथ शुरू करेंगे वैसे वैसे अब गमले में करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये हेल्दी होंगे, क्योंकि इनको बड़ा पॉट मिलता है तो ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये देखिए बस हमने इस तरह से रख दिया,
और मैं बिल्कुल सुबह के टाइम ही कर रही हूँ। अब धूप भी इनको लगेगी लेकिन कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी क्योंकि फुल सनलाइट में ही रखे रहते थे ये पौधे, तो रूट बॉल तो हमने डिस्टर्ब किया नहीं है तो दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको लगा दिया और बस एक प्लांट हमारा लग गया। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से एक एक प्लांट को हम निकालते जाएंगे। और एक हाथ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये देखिए नीचे रूटिंग दिखने लगी है इनमें। ये देखिए नीचे से रूट आ गई हैं, तो बस हम थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे इसको होल बना करके इस तरह से रख देंगे और उसके चारों तरफ से मिट्टी डाल देंगे। तो जब हम इस तरह से सीडलिंग मतलब जो भी रहती है रिपोर्ट करते हैं, मतलब एक बार रिपोर्ट किया हुआ दोबारा रिपोर्ट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल भी, बहुत ही आसान होता है, ना तो इनके मुरझाने और ख़राब होने का डर रहता है और ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए इसकी रूटिंग एकदम नीचे तक हो गई है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये। तो इसको बस हमको इस तरह से लगा देना है और चारों तरफ से मिट्टी डाल देनी है। थोड़ा सा प्लांट हमारा तिरछा हो रहा है तो थोड़ी मिट्टी हम और डाल देंगे इसमें। तीन प्लांट हमने लगा दिए, तो ये देखिए सिक्स प्लांट बने यहाँ पे रिपोर्ट कर लिए हैं, बाकी के अभी इतने सारे बचे हैं। इसमें तो बहुत सारे लगे हुए हैं और तीन प्लांट मेरे अलग से जो हैं वो भी लग बचे हुए हैं, तो इनको मैं बाद में रिपोर्ट कर लूँगी। अभी तो गमले यहाँ पे खाली है नहीं। और ये एक कॉक्सकॉम का प्लांट ग्रो हुआ था तो मैंने इसको भी ग्लास में लगा दिया है। तो देखिए इस तरह से हमने रिपोर्टिंग कर ली है और बस हम थोड़ा थोड़ा इनको पानी दे देंगे अभी। अभी जल्दी ही अपनी ग्रोथ शुरू करेंगे तो बस थोड़ा सा पानी दे देना है। तो ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, ताकि हमारी जो नई मिट्टी है उसमें प्लांट हमारा सेट हो जाए बहुत फोर से पानी में। और ये देखिए हमने डाल दिया इस तरह से। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। इसके ऊपर पानी गिर गया, तो बस इनको अभी चाहे तो छाया में भी रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट धूप में भी रख दूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ मिट्टी पूरी पानी पानी हो गया।